हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैग बॉम्ब के। सो गाइस, अगर आप भी यूज़ करते हो वीवो वाई 12G का फ़ोन तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने वीवो वाई 12G के फ़ोन में किसी भी ऐप को लॉक कैसे करेंगे। तो गाइस, आपको अपने फ़ोन में किसी भी ऐप को लॉक करने के लिए प्ले स्टोर से किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सेटिंग से ही किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें जो यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो फाइनली गाइस, बिना देर किए चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अपने वीवो वाई 12G के मोबाइल स्क्रीन पे। अब मैं यहाँ से MX प्लेयर को अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे MX प्लेयर ओपन हो जा रहा है, यहाँ पे कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा किसी भी एप्लीकेशन में लॉक कैसे लगाना है। तो गाइस, इसके लिए हम चलते हैं अपने होम स्क्रीन पर, और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन में आई मैनेजर को ओपन कर लेना है, जो कि हर एक वीवो के फ़ोन में आई मैनेजर होता है। आई मैनेजर को ओपन करिए, इसके बाद आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को ऐप इनक्रिप्शन का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे एक कीज बनी होती है, इसी का नाम होता है ऐप इनक्रिप्शन। इस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड एंटर करिए, और इसके बाद आप लोगों को मिलता है ऐप इनक्रिप्शन का ऑप्शन, दोबारा इसी जो है ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ऐप इनक्रिप्शन वाले पे। गाइस, जैसे इस पर आप लोग क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन रहेंगे सब यहाँ पे शो होना चालू हो जाएंगे। यानी कि आप यह देख सकते हैं आपके फ़ोन में कौन कौन से एप्लीकेशन हैं, यहाँ पे सब कुछ आप डिटेल में पूरी देख सकते हैं और उन पर लॉक लगा सकते हैं। तो लॉक लगाने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जिस भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और वो लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे हम चलिए लगभग 9-10 एप्लीकेशन को लॉक करेंगे, और इसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे उनको ओपन करके और पूरी डिटेल के साथ। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोग देखेंगे फ़ोन पे को हमने लॉक कर दिया और फ़ोन को लॉक कर दिया, और यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप है, हम व्हाट्सअप को भी लॉक करने वाले हैं, तो यहाँ से चलिए हम लॉक कर देते हैं। और हमने देख सकते हैं यहाँ पे MX प्लेयर को अभी तक लॉक नहीं किया है, तो इसको भी लॉक यहाँ से कर देते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को MX प्लेयर ओपन करके दिखाया हुआ था, तो वहाँ पर MX प्लेयर ओपन नहीं हुआ था, सॉरी ओपन हो गया था, वहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर नहीं करना पड़ना था, इसलिए मैं इसको लॉक कर दिया हूँ ताकि मैं MX प्लेयर को ओपन करके दिखाऊँगा, और वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लॉक हो चुका है। इसके बाद गाइस, आप लोग सबसे ऊपर आएंगे, ऐप लॉक टाइम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आप यह सेट कर सकते हैं ऐप कितने देर बाद लॉक हो, एक मिनट बाद हो, या स्क्रीन को क्लोज होने के बाद हो, सब कुछ आप सेट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आप लोगों को बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि बीच वाला ऑप्शन जो होता है काफ़ी ज़्यादा जो यूज़फुल होता है, अगर उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें ऐप लॉक करने के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे, और यहाँ से जितने भी एप्लीकेशन को हमने लॉक किया हुआ है और इनको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे हम ओपन करते हैं यहाँ से गूगल पे को, गूगल पे को हमने ओपन किया, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है इसलिए शायद आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा हो। इंस्टाग्राम को हमने ओपन किया और यहाँ से पासवर्ड हम इंटर करेंगे और इंस्टाग्राम ओपन हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम फेसबुक को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे फेसबुक को ओपन करने के बाद भी हमसे जो पासवर्ड मांगा जा रहा है, जब तक हम पासवर्ड इंटर नहीं करेंगे ये एप्लीकेशन ओपन नहीं होंगे। और यहाँ से हम चलिए फाइनली MX प्लेयर को भी ओपन करके देख लेते हैं। देख सकते हैं हमने MX प्लेयर पर क्लिक किया और यहाँ से पासवर्ड मांग रहा है, जब हम पासवर्ड को इंटर कर देते हैं MX प्लेयर भी ओपन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं फिर किसी दिन एक ऐसी यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।